कब मिलेंगे फिर हम? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी मैं जस्ट उठा हूँ, 10:30 हो गए हैं। और जो कल वाला व्लॉग था वो मैं एडिट कर चुका हूँ, उसको अपलोड कर चुका हूँ, बस उसको पब्लिक करना है। तो वो मैं शायद करूँगा 11-12 बजे तक। तो अभी मम्मा ने मेरे को उठाया है क्योंकि आज बहुत सारा काम है और मैं अब टेंशन, मेरे को अब टेंशन, मतलब अभी इससे पहले टेंशन नहीं हो रही थी बट मुझे अब बहुत ज़्यादा टेंशन होने वाली है, हो रही है एकदम से, कि मैं कैसे करूँगा। अभी एक दिन रह गया क्योंकि आज लास्ट दिन है। इतने सारे लोगों को बोल रखा है कि हाँ आज मिलना है, वो सब ने बोला है मिल के जाना, उन सबको मिलना है, मेरे को इतने सारे काम करने हैं। रनीशा ने जाना है, उसको बाय करना है, उसको छोड़ने जाना है एयरपोर्ट, अपना कोविड टेस्ट करवाना है, इतना काम है। मैं टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मतलब सुबह मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि कैसे होएगा सारा काम। तो अभी सबसे पहली टेंशन ये है कि मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े सारे पैक हो चुके हैं और मेरे पास पहनने का कुछ नहीं है अभी। मतलब मैं पहनूंगा क्या जो आज के दिन पहनना है, तो लाइक वो भी देखना है अभी कि क्या पहनना है। और अभी मैं चला जल्दी से नहा के मैं वेट करता हूँ टनीशा के, कि टनीशा आ रही है, टनीशा आएगी और फिर हमने क्या कहते हैं जो सामान सामान लेना है या फिर जो कुछ खाने का प्लान है हमारा वो करके, क्योंकि आज उसका लास्ट दिन है और फिर उसके बाद उसने चले जाना, तो उसको छोड़ने चलेंगे एयरपोर्ट। सो गाइज, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं, मतलब 12 बज चुके हैं, मैं जल्दी से जा रहा हूँ पहले कटिंग करवाने, और सेकंड काम है मेरे का कार के अंदर कूलेंट डलवाना है, क्योंकि फिर अभी हमने दिल्ली जाना है उसी कार में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए तो पापा ने बोला पहले कूलेंट डलवा लियो। तो ये दो काम अभी इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो करने। और मैं यहाँ पे कल वाला व्लॉग जो अपलोड कर चुका था इसको पब्लिक करने लगा हूँ अभी। और टनीशा आ चुकी है, ये तैयार हो रही है और इसने अभी म्यूज़िक वीडियो बनाने जाना है, तो अभी ये वहाँ जाएगी और मैं अपने काम करने जाऊँगा। तो अभी जल्दी से मैं पहले वीडियो को कर लेता हूँ पब्लिक और इसको कर देता हूँ पब्लिश। तो अभी मैं जा रहा हूँ कटिंग कराने और टनीशा जा चुकी है अपनी डांस क्लास, और मैंने इतने में सोचा कि मैं जल्दी से कटिंग करा लेता हूँ, और दूसरा काम था कि मैं कूलेंट डलवा लेता हूँ अपनी कार में। तो जल्दी से चलते हैं, चलो। तो लास्ट टाइम जा रहे हैं हम कटिंग कराने, इसके बाद शायद हम कराएं या ना कराएं, मतलब नहीं कराएंगे इसके बाद, तो इसके बाद इंडिया में नहीं होगी कटिंग, चिंको से होगी सिर्फ। आज नवाब भी हमारे साथ नीचे आए हैं और हमारी लास्ट कटिंग हो चुकी है यहाँ पे। नवाब भैया को मिलेंगे अगले साल, ठीक है भैया, अगले साल मुलाकात होगी वो आपसे। सो गाइज, अभी कटिंग करा लिया मैंने और अभी हम जा रहे हैं क्या कहते हैं कूलेंट भरवाने गाड़ी में, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। और रास्ते में हमने सोचा कि हम हरमन को भी मिल लें क्योंकि वो कह रहा था कि उसने मिलना है, तो अभी हरमन की वेट करें। हरमन आ गया, वो आ रहा हमने गोवा, अपनी देखी सही होती है। हरमन गोवा घूमने आया है। हाँ भाई, क्या है? बढ़िया। कब की फ्लाइट? कल की है, कल होएगी 9:30 बजे रात को। तो अब आ गए हम लाइक स्कोडा के शोरूम में। अब पता नहीं गौरव भी नोन है उनका, उनके पास मतलब उनकी गाड़ी का कूलर डलवाना ना, तो उनसे बात करने जा रहे हैं, मिलते हैं। पूछ रहा हूँ मैं, तरसीम तरसीम भाई। अरे बाहर नहीं आ जाएगा उड़ के, गर्म गर्म तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, 40-40 डिग्री कुछ है करके यहाँ पे। और बस एक लास्ट चीज़ रह गई है ताकि दिल्ली जाने के लिए गाड़ी चढ़ा दिया ऊपर पूरी। पहली बार गाड़ी नीचे से दिखाते हैं आपको, हीटर लगा है। सो कूलेंट डलवा लिया, जो भी था चेक चुक करवा दिया जैसे भी था। अब हमारे कार का काम सारा हो गया, सही है। अब हम जा रहे हैं सीधा हरमन को देखते हैं ड्रॉप करके, फिर उसके बाद
जो अपने बाकी काम है वो करेंगे। तो गाइस जो मेरे को क्रीम लेनी थी, अब मैं क्रीम लेने आया हूँ 46 में, जल्दी से क्रीम लेके चलते हैं घर क्योंकि निशा वेट कर रही है। तो अभी जल्दी से उठाते हैं क्रीम। 2 hours later. So finally घर आ गए हैं। ठीक है। मस्त। मस्त। पापा भी आ रहे हैं और हम बैठे हैं, बोर हो रहे हैं। मम्मा मेरे 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 लोअर का आधा पार्ट मम्मा ने पहन लिया और मैं कच्चा हूँ। हेलो बोल दो आंटी। निकले जाएगी, बाहर निकलने दो ना उसको। वेस्टेड। हेलो गाइस, ये गौरव के ब्लॉग जो आप देखते हो उसमें इसने बोला है कि हाँ तो रूम तो मैंने साफ कर लिया है। तो ये मैं आपको बताने का जरा क्लियर करना चाहूँगी कि जिस टाइम ये रूम साफ हो रहा था उस टाइम ये अक्षय के घर में एंजॉय कर रहा था और रूम सारा मैंने साफ किया है, इसकी इकलौती माँ ने। और इसने बड़े उससे बोला आके, थैंकलेस बंदे ने, कि रूम मैंने साफ करा और पैकिंग हो गई है। पहले मैं बहुत थक गया हूँ, मतलब मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा ब्लॉग में बोला ना मम्मा देखेगी जब, मम्मा बोलेगी इसने रूम साफ किया है। और साथ में बोल रहा है ओके गाइस अब मैं बहुत थक गया हूँ क्योंकि पैकिंग बहुत की है, अब मैं पूरा थक गया हूँ। तो एकदम जैसे ये अभी बैठा हुआ है, ये ऐसे ही बैठा है तब से और अभी भी ये कुछ नहीं कर रहा। कच्चे के साथ कोट पहन लिया। एक बार दिखाइयो घड़ी इधर भैया। आ हा हा हा। अरे यार आ रहा है। बटन करे। यहाँ से तो ये सही लग रहा है पर ये चीज इसको बहुत सही बना रही है। ये भी डाल दे चप्पल, एक पैर में चप्पल एक पैर में बूट पहनो। आइसक्रीम आता खा से लेते हो। आज ही चले अभी देखी भगत ड्राई क्लीनर ये हमारे साथ दो जने और जुड़ गए। आज का गौरव का व्लॉग मैं बना रहा हूँ। चल आज तो आई नो योर जे। आई एम नॉट जे। यू आर। नहीं है ऐसे नहीं, मेरा वैसे भी तेजस्वी में कंपटीशन चलता रहता है। किस चीज का वैसे नहीं मैं बता नहीं सकती। बताओ काम की चीज नहीं है, मतलब हुआ नहीं नहीं हुआ। कोई सजेशन सुन ले, ये लेके वैक्यूम। ओ बताओ हम हमारे काम की चीज है ये। अंकल हमें भी वैक्यूम कर दो। ऐसे इसको उठाएगा लोहा निकल आएगा तभी कह रहा हूँ। अबे चुपता है हाथ में तभी कह रहा हूँ उठा चल। बाहुबली ओए ये सिर्फ 10-11 किलो भाई दिखाइयो। 11 उसका कप है तो क्यों वो मांग दे रही ना। देख हाथ पे दुपट्टा मारेगा तेरे। नहीं नहीं ऐसे नहीं मारता, सोच मार ले। वो बहुत ही वो है कि एक बारी में सारा खा लूं पर उसको जीव लगानी पड़ रही है ना तभी दर्द हो रही है उसको। कहता है एक ही बारी में कभी निकालने लगा हुआ यार इसके ना उसमें डाल देते हैं हम। तो अब निशा जा रही है लास्ट टाइम, लास्ट टाइम है वो, इसके बाद वो भी चली जाएगी और हम सारे जा रहे हैं नीचे। हाँ तो वो बाय कर रहे हैं और हम अब सारे जा रहे हैं, यशवीर मैं गुरलव निशा नीचे। बस ये आखिरी दिन है, आखिरी लोगों से मिल रहे हैं और बस इसके बाद कल एयरपोर्ट और परसों कैनेडा। भाई देखी कनेडा जाने से पहले लत ना तड़वा के चले भाई। कनाडा से इधर लैंड हुआ था तो सबसे पहले मैंने आते ही ये खाया था, अब मैं जा रहा हूँ तो भी जाने से पहले ये खा रहा हूँ। सीधा वहाँ जाके कट कट। 2 hours later लगा कबीर आया हुआ है
देखते हैं कितना घर पे मत बताइए, बैठा देख किस तरह है क्या। तो अभी गाइस हम क्या कहते हैं, टनीशा आ रही है एयरपोर्ट रोड पे और मैं एयरपोर्ट रोड पे उसकी वेट कर रहा हूँ। वो आएगी कार में से उतर के अभी हमारे साथ बैठी है। आ गई है टनीशा, अपनी मम्मी को बड़ी जल्दी है। कैब तो ऐसे निकली है जैसे हमसे पहले आंटी ने प्लेन में प्लेन चलाना है। गाइस हम आ गए हैं आखिरी मोमेंट पे टनीशा का छोड़ने। टनीशा देखा मूड खराब हो चुका है एयरपोर्ट में। ये एयरपोर्ट पे आती ना वही वैसी हो जाती है, थोड़ी नेगेटिव नेगेटिव बीटी वैसे दिल के धड़कने बढ़ जाते हैं। टनीशा एक बार देखना कर, लेकिन एक्टिंग तो ऑन पॉइंट है। कहां पे है? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. और अब चले घर पे, जितनी लास्ट की पैकिंग रह गई है वो करने और फिर उसके बाद कुछ खाएंगे रात को। तो अभी कबीर और तेजेश्वर जा रहे हैं और रात को आएंगे, तब तक मैं मम्मा पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा। टनीशा की याद में हम खा रहे हैं वही जगह से जहाँ से टनीशा ने कहा था, मैं ही नहीं घर में सब खा रहे हैं टनीशा वाली जगह से क्योंकि वो जा चुकी है और मेरे को लाइक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सो गाइस अभी लास्ट नाइट है हमारी और इसके बाद 3:30 बजे तक हम थोड़ी देर खेलेंगे और फिर उसके बाद सारे घर जाएंगे। तो और फिर अभी पैकिंग ऑलमोस्ट सारी हो गई है, बस ये लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सामान रह गया मेरा। तो देखते हैं क्या खेल रहे हैं, कोई वेरिएशन है तो दो डाल दें। तो अभी नहीं, पहले नॉर्मल ही है। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद क्या कहते हैं, मैं 8 बजे कल सुबह निकलूँगा, व्लॉग आएगा वही 12 बजे तक, तो रास्ते में एडिट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग मतलब अच्छा था पर मेरा दिन अच्छा नहीं था क्योंकि टनीशा आ चुकी है, तो नेवर माइंड। कल जाएंगे दिल्ली, परसों टोरंटो सीधा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, होप टू सी यू सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।